अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं स्टूडेंट्स। ये एक 5 से 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो होगी जिसमें मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं आप लोगों को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सप्लेन करूं। तो हम चलते हैं, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी एक और डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने 4 तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस का कहीं ना कहीं जिक्र किया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले मैं आपके सामने एक फार्मूला लिख दूं, और वो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी एक्स, यानी किसी चीज़ की अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, इज़ इक्वल्स टू ई पावर माइनस म्यू। ई क्या है? ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये आपके कैलकुलेटर पर की मौजूद होगी, आपने इससे ज़्यादा इसकी डिटेल्स मालूम नहीं करनी है। माइनस म्यू, म्यू इज़ मीन, मल्टीप्लाइड बाय म्यू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जो आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ अप्लाई करेंगे, कुछ हमें देखना पड़ेगा। देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो सवालात होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, या आपको आइडेंटिफाई इस तरह से होगा कि मिसाल के तौर पर आपको सवाल बोल देगा कि यार, एक कॉल सेंटर में एक बंदा काम करता है और वो दो कॉल्स आंसर करता है इन एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। एक कॉल सेंटर में एक बंदा 2 कॉल्स आंसर करता है इन एवरी 5 मिनट्स, और आपसे सवाल ये पूछेगा कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 मिनट में वो बंदा 3 कॉल्स को आंसर करेगा। अच्छा, ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये आपको एवरेज दी हुई है, यानी कि वो सवाल ये बोलेगा ऑन एन एवरेज एक बंदा 2 कॉल्स रिसीव करता है हर 5 मिनट में, कॉल सेंटर में एक बंदा काम करता है वो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 5 मिनट में वो 3 कॉल्स को आंसर करेगा। यानी कि जो मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ वो इस बात पर कि एक इवेंट की बात होगी, किसी चीज़ के होने की बात होगी, किसी कोई बात हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 कॉल्स इन एवरी 5 मिनट्स, किसी एक टाइम इंटरवल में, या किसी एक ब्रैकेट ऑफ कह लो कि एक आपके पास एक टाइम इंटरवल या एक इंटरवल में, ठीक है ना। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि सवाल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो इवेंट होगा ये डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट यानी कि फ़ोन कॉल्स जो अगर आप अगर फ़ोन कॉल्स करते हो किसी को या रिसीव करते हो, तो या तो आप 1 कॉल रिसीव करोगे, या आप 2 कॉल्स रिसीव करोगे, या आप 3 कॉल्स रिसीव करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं 2.5 कॉल्स रिसीव करूँ या 2.75 कॉल्स रिसीव करूँ। सर, कोई और एग्जाम्पल दें, एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं। लेट से कि एक मेन रोड है और उस पर ऑन एन एवरेज 4 एक्सीडेंट्स होते हैं, 4 एक्सीडेंट्स होते हैं लेट से एवरी वीक, ठीक है। एक कोई रोड है, उस रोड पे ऑन एन एवरेज एक अंदाजे के मुताबिक, एवरेज के मुताबिक कितने एक्सीडेंट्स होते हैं? 4। ये एक्सीडेंट्स का होना डिस्क्रीट बात है। अगर किसी का एक्सीडेंट होगा तो 1 एक्सीडेंट या 2 एक्सीडेंट या 3 या 4 एक्सीडेंट्स होंगे, कोई 3.5 या 4.5 एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ हो गई डिस्क्रीट। इन एन इंटरवल, यहाँ पर इंटरवल क्या है? 1 वीक। और फिर सवाल आपसे यूँ पूछ सकते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 1 हफ्ते में इसी रोड पर मिसाल के तौर पर 2 एक्सीडेंट्स हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो तुम इस तरह से सवाल को आइडेंटिफाई करोगे। सर, अभी भी मुश्किल हो रही है, आप एक और एग्जाम्पल दें, एक और एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह की। मिसाल ले लो, लेट से कि हमने एक्सीडेंट्स की मिसाल ली, हमने कॉल्स की मिसाल ली। अच्छा, एक और मिसाल लेते हैं। लेट से एक कंपनी है, वो रग्स बनाती है और वो कारपेट्स बनाती है, रग्स एंड कारपेट्स बनाती है, ठीक है। और उसकी मशीन्स में कारपेट बन रहा है या लेबर कारपेट बना रही है, और उसका एक अंदाज़ा है कि 2 जगह पर जो है ना, वो कहीं ना कहीं कारपेट बनाते वक्त डिफेक्ट आता है इन एवरी 100 स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट।
यानी कि ऑब्वियसली मशीन्स में कारपेट बन रहा है, लेकिन उस कारपेट में जो है वो बनाते वक्त डिफेक्ट तो हो सकता है। तो एक इस कंपनी का अंदाज़ा है कि यार अगर हम 100 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाते हो तो उसमें दो जगह पर कोई ना कोई डिफेक्ट रह जाता है, कोई ख़राबी रह जाती है, कारपेट जो है वो फटा हुआ होता है या कारपेट का कलर सही नहीं होता, लेकिन दो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, दो डिफेक्ट्स होते हैं। तो अगेन है क्या चक्कर भाई, वही वाला चक्कर है कि कोई एक बात है जो अकर हो रही है एक इंटरवल में। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि सवाल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा देखिए, चार किस्मों के सवालों की डिस्कशन करी हमने, या चार डिस्ट्रीब्यूशंस की हमने अभी तक बात जो है ना वो आप लोगों से करी है। मैं वापस से उनको हाईलाइट कर दूं ताकि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर सब चारों के, चारों तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस के आपके सामने हो। देखिए, हमने आज से पहले बात करी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने आज से पहले बात करी है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने बात करी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, और हमने बात करी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहती थी। फॉर एग्जांपल, आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे, अच्छा बाइनोमियल में हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी, और जो है ना वो प्रोबेबिलिटी दो तरह की होंगी, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू वन, एन सी आर पी प्लस पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये उसका फॉर्मूला होगा। बाइनोमियल तब अप्लाई होगा जब प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही है, इस तरह की बातें की थी। हाइपरजोमेट्री के वक्त हमने बातें की थी कि ये तब अप्लाई होता है जब सेलेक्शन करनी है चीज़ों की, कुछ चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल के वक्त हमने ब्रीफली हाईलाइट किया था कि ये तब यूज़ होगा जब कंटिन्यूस वेरिएबल हो। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल डिस्क्रीट था, यहाँ पर डिस्क्रीट था, यहाँ पर डिस्क्रीट था, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस था। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता था, हाइट है, वेट है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, यानी कि हाइट कंटिन्यूएशन में एग्जिस्ट कर सकती है, एक बंदा 6 फिट का भी हो सकता है और 6.25 फिट का भी हो सकता है। वेट है, एक किसी का वेट 58.4 किलोग्राम्स भी हो सकता है और 55 किलोग्राम्स भी हो सकता है। लेकिन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अगेन एक डिस्क्रीट वेरिएबल से डील करती है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल, ये सारी डिस्क्रीट वेरिएबल वाली डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, बिकॉज उसमें जो चीज़ है, जो इवेंट है, वो डिस्क्रीट टाइम्स अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल सेंटर एजेंट जो है वो 2 कॉल्स उठाएगा, 2.5 नहीं आंसर कर सकता, ठीक है। तो इस तरह की ये इन लोगों के बीच में, इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में जो है वो फ़र्क था। अच्छा, अब एक बेसिक सी एग्जांपल देखते हैं और फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करना है अगले लेक्चर में, लेकिन एक मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लिख दूं ताकि हम कुछ जो है ना वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैलकुलेशंस जो है वो सीख लें। तो वो कुछ इस तरह की होगी कि फॉर एग्जांपल लेट से मैं ये कहता हूँ कि एक कॉल सेंटर एजेंट है, और वो कॉल सेंटर एजेंट जो है ना वो कह लो कि यार 5 फोन कॉल्स आंसर करता है। एक कॉल सेंटर एजेंट ऑन एन एवरेज 5 फोन कॉल्स आंसर करता है इन एवरी 30 मिनट्स। एक कॉल सेंटर एजेंट हर 30 मिनट में 5 फोन कॉल्स आंसर करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले 30 मिनट में ये कॉल सेंटर एजेंट जो है वो 3 कॉल्स को आंसर करे, ठीक है। अब देखो, ऊपर जो 5 कॉल्स इन एवरी 30 मिनट्स लिखा हुआ है वो एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि किसी 30 मिनट में उसने 2 कॉल्स आंसर की हो और फिर किसी 30 मिनट में उसने 8 कॉल्स आंसर की हो, तो एवरेज जो है वो 5 बन जाएगा। सवाल ये पूछते हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले आने वाले 30 मिनट में ये कॉल सेंटर एजेंट जो है वो 3 कॉल्स को आंसर करे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो तरीका है वो है पी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या होगा, e की पावर माइनस म्यू, माइनस म्यू यानी कि -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा तरीका है सवाल में जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करने का, उसको पुट करने का। देखिए, मीन जो है ना, मीन वो हमारे पास म्यू का सिंबल रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ जहाँ म्यू लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मैंने मीन लिख दी, ठीक है।
अच्छा ई जो है ई ये आपके कैलकुलेटर पर आपको ई की की मिल जाएगी, इसकी और कोई जानकारी हासिल करना आपका मतलब कोई काम ही नहीं है, आप छोड़ दो इसको ठीक है अभी फिलहाल। अच्छा उसके बाद एक्स जो है वो तीन है, यानी कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी थी वो लिख दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर पर आराम से सॉल्व कर और इसका आप आंसर निकाल लो। मेरे पास जो एफ एक्स 991 ES प्लस मॉडल है कैसियो का, उसमें शिफ्ट दबाकर और LN की जो कि ऑन की के दो कीज नीचे आ रही है उस पर ई की है, मैंने वो प्रेस की है और उसमें फिर मैंने पावर में -5 डाला, उसको मैंने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर 3 के फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड किया विच इज़ 6, 3 × 2 × 1 यानी कि 6, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। तो मेरा आंसर आ रहा है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 0.14, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये कॉल सेंटर एजेंट 3 कॉल्स आंसर करेगा वो 0.14 है। इसी तरह से अगर सवाल पूछ लेता कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है ये कॉल सेंटर एजेंट जो है वो अगले 30 मिनट में 2 कॉल्स को आंसर करेगा, तो ई की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। आप अगेन इसको कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पर आराम से तसल्ली से और देखें कि आपका आंसर क्या आता है। आपका जो आंसर आएगा वो आ रहा होगा 0.084, ठीक है 0.084। तो ये एक वीडियो थी ताकि मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे सकूं। मज़ीद डिटेल्स अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।